नमस्ते दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपका सूरत के सबसे बड़े फैक्ट्री आउटलेट में, इशिता हाउस में। मैं आपकी होस्ट इन दोस्त कोमल। वेल, आज जो है मैं यहाँ पर बाहर आई हूँ कि आपको जो है स्टेशन से इशिता हाउस आप कैसे, हमारे जो कुछ सर्विसेज है वो आप कैसे यहाँ से यूज़ कर सकते हो उसके बारे में जानकारी भी देने वाले हैं। स्टेशन से अगर आप आते हो या बाई बस आते हो तो आपको जो है पिकअप एंड ड्रॉप की जो है सुविधा मिलती है, तो उसके बारे में आज की वीडियो भी पूरी रहने वाली है और साथ साथ में हम कलेक्शन भी देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इशिता हाउस में, और जो हम हैं यहाँ पर स्टेशन पर, जहाँ पर आप देख सकते हो बैक साइड में कुछ इस तरीके से आपको जो है देखने के लिए मिलेगा। जो लोग पहली बार आ रहे हैं, जिनको आइडिया नहीं है कि सूरत में आते हो तो कैसे, कहाँ से, क्या ट्रैवलिंग करना है, तो उसके बारे में आज की वीडियो में हम जो है थोड़ा सा नॉलेज शेयर करेंगे और फिर हमारे कलेक्शंस देखेंगे। हम आ चुके हैं हमारे एग्जिट गेट पर, और एग्जिट गेट पर आने के बाद आपको पहला प्रोसेस ये करना है कि आपने हमारी जो भी वीडियो देखी हुई है यूट्यूब पर, आपको पर्टिकुलर वहाँ पर जो नंबर्स होते हैं वहाँ पर कॉल करना है। जिनको आइडिया नहीं है मैं उनको यहाँ पर बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये वीडियो मैंने देखी हुई है, तो ये पर्टिकुलर जो वीडियो चल रही है उसमें एक नंबर भी यहाँ पर दो शो हो रहे हैं, ये नंबर पर आपको कॉन्टेक्ट करना रहता है, ये दो में से कोई भी एक नंबर पर, तो हमारे टीम एग्जीक्यूटिव के साथ आप जो है कम्युनिकेट कर पाओगे। और वहाँ पर आपको सिर्फ यही बोलना है हम जो है सूरत के रेलवे स्टेशन के एग्जिट गेट पर खड़े हुए हैं, तो आपको सिर्फ यहाँ से हमें पिकअप करना है। इसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे नहीं करने हैं और आप जो है सीधा ही इशिता हाउस के जो मेन गेट है वहाँ पर आप सीधा पहुँच जाओगे, और वहाँ पर आगे क्या प्रोसेस रहती है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए फटाफट हम कॉल करते हैं कि हमारे यहाँ पर पिकअप करने के लिए लोग आते हैं तो हम कैसे उन पर ट्रस्ट करें कि कौन से बंदे हैं जो इशिता हाउस से हमें पिकअप करने के लिए आ रहे हैं, कहीं वो कोई फ्रॉड तो नहीं है। तो वो चीज़ करने के लिए हमें ये सिर्फ करना है, कॉल करने के बाद हमारे यहाँ पर जो ऑटो वाले आते हैं उनका एक प्रोसेस रहेगा, वो भी हम आपके साथ जो है शेयर करने वाले हैं कि किस तरीके से हमें जो है उनकी पहचान मिलेगी। तो जैसे हमने यहाँ पर कॉल करके आप बुला लोगे तो ऑटो वाले जो भाई हैं जो इशिता हाउस के स्टाफ मेंबर ही होते हैं तो वो यहाँ पर आते हैं, तो उनका वेरिफिकेशन कैसे करें ये चीज़ भी मैं आपको शेयर कर देती हूँ। जैसे कि इशिता हाउस के हमारे जो स्टाफ मेंबर हैं वो यही है जो कि आपको पिकअप करने के लिए आते हैं। सो दो से तीन ऑटो वाले जो हमारे भाई हैं वो यहाँ पर आपको आकर के पिकअप करेंगे। आपको ये चीज़ कैसे पता लगेगी कि ये इशिता हाउस से ही आए हैं, तो उसके लिए आपको क्रॉस ये चेक करना है कि आप कैसे बता सकते हैं। हाँ जी मैडम, इशिता हाउस से हम लोग सीधा आई कार्ड होता है हमारे पास, जो कस्टमर मेंबर्स लोग होते हैं अगर कॉल कर सकते हो तो भी हमारे कंपनीज का कॉल भी आते हैं। अगर नहीं पता चलता होगा तो हमारे पास आईडी होती है हमारे कंपनी के, हर एक कोई ऑटो वाला पिकअप आपको कर सकता है, फैक्ट्री तक आपको ले जाए। और ये कार्ड मतलब आपके पास, मतलब जो आप स्टाफ मेंबर हो इसलिए आपके पास है या फिर जितने भी ऑटो वाले होते हैं सबके पास होता है? तो खाली जो स्टाफ मेंबर जो होते हैं कंपनी से, जो कंपनी ऑटो होता है उनके पास ही आईडी होता है, बाकी किसी के पास नो पॉसिबल। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट वेरिफिकेशन। सेकंड थिंग ये भी है कि यहाँ पर आप जब आते हो तो आप जैसे ही जो भी ऑनलाइन मेंबर्स को कॉल करते हो तो वो लोग जो है यहाँ पर एक बार कॉल कर देते हैं जो हमारे स्टाफ के ऑटोज होते हैं उन लोगों को, और उनके पास भी आपका नंबर रहता है, तो आप वैसे भी आप कॉल करके भी जो है क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं सीधा इशिता हाउस, कैसे जाना है पूरा रास्ता भी आप देख लीजिए ताकि आपको ईजिली आइडिया आ जाए। यहाँ पर जैसे आप देख ही सकते हो कि बैनर्स में भी जो है इशिता हाउस का बैनर यहाँ पर बहुत ही बड़ा और खूबसूरत आपको मिल जाएगा। आप इजीली मतलब यहाँ पर पहुँच सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बस ऑटो में बैठना है और सीधा इशिता हाउस पहुँचना है। Thank you.
चुके हैं सीधा इशिता हाउस के डोर स्टेप तक, जैसे हमने बताया, तो आप सीधा जो है यहाँ तक पहुँच जाओगे। अब यहाँ पर आने के बाद का प्रोसेस क्या होगा आगे, वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। आइए फटाफट अंदर चलते हैं। तो भाई यहाँ पर हम आ तो जाते हैं, पर उसके बाद हमें यहाँ पर किससे मिलना है, क्या करना है, उसके बारे में भी बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनको आइडिया नहीं होता है। तो सिंपल चीज़ है, यहाँ पर हमारे जो मैनेजर है आपको उनसे मैं मिला देती हूँ, ताकि आपको एक आइडिया रहेगा कि आप जब यहाँ पर आओगे तो आपको वही टैकल करेंगे पहले कि आप कहाँ से आते हो और क्या आगे की प्रोसेस रहती है, वो उन्हीं से जानते हैं। तो यहाँ पर मैनेजर अवेलेबल है और उन्हीं से जानते हैं कि कैसे हमारे जो कस्टमर यहाँ पर आते हैं तो आप उनको कैसे टैकल करते हो। जैसे कि कस्टमर हमारे पास आते हैं, साउथ से भी आते हैं, नॉर्थ से भी आते हैं, ईस्ट से भी आते हैं, ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास कस्टमर जुड़े हुए हैं। इंडिया तो छोड़ो, हमारे पास एक्सपोर्ट का भी काम होता है, ऑल ओवर इंडिया के अलावा हमारे एक्सपोर्ट का भी होता है। ठीक है, जैसे कि साउथ के कस्टमर है, सब उसके साउथ के कस्टमर है, तो ऑल ओवर हम साउथ का टेस्ट दिखाते हैं उनको कि साउथ में क्या चलता है नहीं चलता है। जैसे नॉर्थ के कस्टमर है तो नॉर्थ का टेस्ट दिखाते हैं हम, ऑल ओवर मतलब डिपार्टमेंट वाइज है हमारे पास, साड़ी का है, ड्रेस मटेरियल, कुर्तीज, रेडीमेड ब्लाउज, दुपट्टा, ऑल ओवर लेडीज वेयर में आपको। मेरे पास लैंग्वेज की भी कोई इश्यू नहीं है, जैसे मैं मेरी सारी वीडियो में ये चीज़ मेंशन करती हूँ कि यहाँ पर आओगे ना तो कोई लैंग्वेज की कोई इशू नहीं है। जैसे कि तेलुगु लैंग्वेज हुआ, तमिल लैंग्वेज हुआ, मतलब ओल्ड और लैंग्वेज में अपने पास अवेलेबल मिल जाएगी। बिल्कुल, तो क्या क्या कलेक्शन भी रहते हैं वो भी एक बार देख लेता है, ताकि नए जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको इजीली समझ में आ जाए, उनको गाइडेंस मिल सके। यहाँ पर हर एक कलेक्शन इंडिविजुअली जो है डिवाइडेड रहते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारा जो डिपार्टमेंट है, यहाँ पर आपको हैवी साड़ीज़ का कलेक्शन मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ पर टोटली वर्क वाली साड़ियाँ, हैवी वर्क है, यहाँ पर सेमी वर्क है, यहाँ पर आपको ब्राइडल कॉन्सेप्ट और बुटीक टेस्ट वाली साड़ियों के कलेक्शन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर लहंगे के कलेक्शन की बात करें तो नंबर ऑफ क्वांटिटी में आपको लहंगे के कलेक्शन अवेलेबल होने वाले हैं, और यहाँ पर ये सारे कलेक्शन जो है डायरेक्ट आपको फैक्ट्री रेट में अवेलेबल होने वाले हैं। उसके बाद भी क्या क्या कलेक्शन होते हैं वो भी आपको साथ साथ में दिखा देते हैं। साड़ी का सिर्फ इतना ही कलेक्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि फैक्ट्री आउटलेट है सारे कलेक्शन की, मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो जहाँ तक नज़र जा रही है सिर्फ और सिर्फ आपको कलेक्शन देखने के लिए मिलने वाले हैं। प्रिंटेड साड़ी का पूरा कलेक्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है, बेसिक वर्क वाली साड़ी आपको यहाँ पर जो है ये पर्टिकुलर ये डिपार्टमेंट में आपको अवेलेबल होने वाली है। उसके अलावा भी जो है यहाँ पर आपको जो है मिल जाएगा कॉटन सिल्क साड़ीज़ के कलेक्शन, तो यहाँ पर ऐसे भी कलेक्शन आपको मिल जाते हैं। जैसे कि साउथ इंडियन पर्टिकुलर कोई टेस्ट रखते हैं तो उनके लिए भी जो है हमारे पास कलेक्शन यहाँ पर अवेलेबल होने वाले हैं। और बेसिक जो हमारे मतलब एकदम लोवेस्ट रेट के साथ बेस्ट क्वालिटी जो है हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट आप डिपार्टमेंट देख सकते हो, यहाँ पर ड्रेस मटेरियल का कलेक्शन आपको मिल जाएगा, हर तरीके के ड्रेस मटेरियल्स आपको इजीली अवेलेबल होने वाले हैं। चाहे डेली वेयर का कलेक्शन हो या हैवी से हैवी वर्क वाला, या फिर कैटलॉग कलेक्शन ही क्यों ना हो, यहाँ पर कैटलॉग नॉन कैटलॉग दोनों ही वेराइटीज़ अवेलेबल होने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर आपको रेडीमेड कुर्तीज़ है, ड्रेसेस है, ड्रेस हमने पूरे दिखा है उस तरीके से, अलग अलग कॉन्सेप्ट इसमें बहुत सारे देखने के लिए मिल जाते हैं। इसमें आपको अगर शॉर्ट टॉप वगैरह भी चाहिए तो वो भी हमारे पास, इंडियन वेयर हो या फिर आपको वेस्टर्न कलेक्शन चाहिए, हर तरीके के कलेक्शंस आपको अवेलेबल होने वाले हैं। क्रॉप टॉप, स्कर्ट, यहाँ पर आपको हैवी से हैवी बुटीक टेस्ट भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाता है। तो इस तरीके के कलेक्शन आप यहाँ से अगर मंगवाना चाहते हो, एक फैक्ट्री आउटलेट से जुड़कर अपना बिजनेस करना चाहते हो, कभी भी सूरत आ रहे हो तो दिए गए नंबर्स पर एक बार कॉन्टेक्ट कर लीजिए। मैंने जैसे आपको दिखाया, आपको आना है, बस कॉल करना है पिकअप करने के लिए। इजीली जो है यहाँ पर ऑटो आपको मिल जाएगा, और ऑटो भी जो है हमारे जो टीम एग्जीक्यूटिव आते हैं उनका भी आप वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हो ये भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो बस जब भी सूरत आ रहे हो इशिता हाउस विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सपोज आप और कहीं से भी परचेसिंग कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप कोई भी जगह होंगे सूरत में, पर्टिकुलर वो प्लेस का आप नाम बता दोगे, वहाँ से भी आपको पिकअप करने के लिए जो है हमारे यहाँ से आपको लोग मिल जाएंगे। पिकअप ड्रॉप सुविधा पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप बेफिक्र होकर यहाँ पर विजिट कर सकते हो। आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको 100% बेस्ट कलेक्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो जब भी सूरत आ रहे हो इशिता हाउस विजिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि एक ही छत के नीचे डायरेक्ट फैक्ट्री रेट में आपको यहाँ पर सारे कलेक्शन अवेलेबल हो जाते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे कुछ नए और बहुत ही खूबसूरत कलेक्शंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।